जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग दुनिया का सबसे मिस्टीरियस टॉपिक जो है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दिया, जिससे क्या होता है कि सामान्य और रिटेल इन्वेस्टर को प्राइस एक्शन समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइस एक्शन के नाम पे लगातार ट्रैपिंग होती है क्योंकि ये एक ऐसा आकर्षण का माध्यम है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर या सामान्य ट्रेडर ये सोचता है कि प्राइस एक्शन से पैसा बनाया जा सकता है। दूसरा कन्फ्यूजन ये भी है कि सामान्यतया लोग ये समझते हैं कि कीमत जब ऊपर भागती है तो वहां पे प्राइस एक्शन क्रिएट हो गया, या कीमत नीचे गिरती है तो वहां पे प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ और वहां पे बाय सेल करना चाहिए। एक और बड़ा कंफ्यूजन इस वीडियो में हम रिवील करेंगे, वो ये है कि लोगों को ऐसा बताया जाता है कि प्राइस एक्शन की अपनी इंडिविजुअल कोई स्ट्रेटजी है या प्राइस एक्शन का अपना कोई फार्मूला इंडिविजुअल होता है जिससे पकड़ के अच्छा पैसा बनाया जाता है, जबकि ये भी बात सरासर गलत है। प्राइस एक्शन का अपना इंडिविजुअल कोई फार्मूला नहीं होता है, प्राइस एक्शन का अपना इंडिविजुअल कोई सीक्रेट नहीं होता है। कीमत एक सिद्धांत है, तो कीमत एक सिद्धांत पे काम करती है, वो ऊपर मूव करेगी नीचे मूव करेगी और वो अपना प्राइस एक्शन बनाती ही रहती है। तो इसका अपने आप में कोई फार्मूला होता नहीं है, जो कि एक भ्रांति है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि व्हाट इज रियल प्राइस एक्शन इन मार्केट। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, अगर आप शब्द के हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे तो प्राइस एक्शन का मतलब है कीमत में तेजी से हुआ बदलाव। तो कीमत में हमेशा तेजी से या धीमी बदलाव होते ही रहते हैं, तो क्या हम हर जगह ट्रेडिंग करते ही रहेंगे? तो कहीं ना कहीं एक बिग कंफ्यूजन है ट्रेडर कम्युनिटी में, जो इस वीडियो में हम उसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फुल्ली आपको समझाने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्राइस एक्शन संबंधित कोई भी वीडियो का देखने की जरूरत। उम्मीद करता हूं समरी आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो बहुत ही औसम है, और इस वीडियो को भी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो भैया, एक साल में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और आपको फुल्ली समझाते हैं कि प्राइस एक्शन के जितने भी कंफ्यूजन है मैं पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक कीजिए और मैं शुरू से शुरू करूंगा और आपको एक्सट्रीम लेवल तक पूरी कोशिश करूंगा, और प्राइस एक्शन के जो भी आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, वो सारी चीजों का सलूशन यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरा हार्डवर्क आप लोग देखो, आपको समझाने के लिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को डिजाइन किया है कि कीमत के साथ साथ में जो इसके एक्शन है, जो इसके मूवमेंट है, उसको आपको कैसे ट्रैप करना है और रियल प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम आपको समझाने वाले हैं कि प्राइस एक्शन कहाँ पे शुरू होगा, कहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाता है, कहाँ पे एंट्री बनती है, सच में प्राइस एक्शन कहाँ पे काम करता है, और जो टेक्निकल प्राइस एक्शन है उसके क्या मतलब होते हैं, और इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव प्राइस एक्शन को कैसे कंसीडर करना है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक था जिसको अच्छे से यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों शुरू से शुरू करेंगे और यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि प्राइस एक्शन एक्चुअली कहते किसे हैं। अगर इस शब्द की हम व्याख्या करें तो देख सकते हैं प्राइस बराबर एक्शन, यानी कि जो कीमत है उसमें कोई एक्शन होना, कोई मूव होना, कोई बदलाव आना, तो इसका हिंदी यही होता है कि कीमत में यानी कि तेजी से मूल्य में बदलाव होना, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने आपसे बताया था कि दो बड़े कन्फ्यूजन हैं, तो पहला कन्फ्यूजन क्या है रिटेल इन्वेस्टर के मन में या ज़्यादातर ट्रेडर कम्युनिटी के मन में, कि मार्केट में अगर कोई मोमेंटम स्टार्ट होता है तो वो उसको प्राइस एक्शन मान लेते हैं और वहाँ पर ट्रेड कर देते हैं, अगर वो डाउन साइड कोई इस तरह से मोमेंटम स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सेल कर देते हैं और उसको प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन इस बात का है कि जो ये कीमत अपने आप में ऊपर जा रही है, तो इस मीनिंग के हिसाब से तो तेजी से मूल्य में बदलाव हो रहा है, तो अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये समझें तो ये प्राइस एक्शन है, क्योंकि प्राइस एक्शन का जो एक्चुअल मतलब है वो यही है कि मूल्य में तेजी से बदलाव होना। तो टेक्निकली भाषा तो यही बोलेगी कि भाई हाँ ये प्राइस एक्शन है, यहाँ से गिरा तो ये प्राइस एक्शन है, लेकिन फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि जैसे अभी हमने एक वीडियो में बताया था आपको कि हरी कैंडल जो है तो वो जरूरी नहीं कि ऊपर जाए और रेड कैंडल जरूरी नहीं कि नीचे जाए, कैंडल के कलर का कोई मतलब नहीं है, टेक्निकल बात अलग है और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की अलग है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी काम करता है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है उसकी टेक्निकल लैंग्वेज तो ये प्राइस एक्शन को अलाउ करती है, लेकिन इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये बात बिल्कुल सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो आपको ट्रेड करना है ना, तो आपको सिद्धांत कैसा काम करता है वो मैटर नहीं करता, आपको ये देखना है कि इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यानी कि ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से आपको प्राइस एक्शन को
फाइंड आउट करना है, ना कि उसके मैकेनिज्म को आपको ट्रेस करना है कि कीमत में बदलाव हुआ तो ये प्राइस एक्शन होगा। तो होप आपको पहला कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कीमत में बदलाव होना प्राइस एक्शन कहला सकता है, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में ये जरूरी नहीं है कि ये सही प्राइस एक्शन है या ये गलत प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे आपको पहला कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया गया है वो ये है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कुछ अपने इंडिविजुअल सीक्रेट होते हैं या फिर इंडिविजुअल कोई स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि कीमत एक सिद्धांत पे काम करती है। मान लीजिए कोई मूल्य है 100 रुपये का है, 200 रुपये का है, 250 का हो गया, 150 का हो गया, तो कीमत घटेगी बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी अपनी कोई इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बन सकती है। क्योंकि कीमत गिरेगी तो आप क्या डिसाइड करोगे और कीमत नीचे गिरेगी तो कहाँ पे डिसाइड करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि प्राइस एक्शन का इंडिविजुअल अपने आप में कोई फार्मूला या कोई स्ट्रेटजी बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है वो बेस्ड आर्ट का मतलब ये है कि या तो कोई सपोर्ट पे प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, या तो कोई रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, या तो कोई फॉर्मेशन ट्रेंगल फॉर्मेशन सपोर्ट ट्रेंड लाइन, इन सब पॉइंट के बेस्ड पे प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, ना कि इंडिविजुअल प्राइस एक्शन की अपनी कोई स्वतः स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि कीमत के बदलाव होंगे तो उसमें अपने आप में कोई स्ट्रेटजी ना तो बन सकती है और ये सरासर फेक बात है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होती है, तो उन जो भी स्ट्रेटजी होती है उनमें जो बेस लिया जाता है वो यही लिया जाता है कि हम भाई ट्रेंगल का बेस ले लेंगे, रेजिस्टेंस का ले लेंगे, सपोर्ट का ले लेंगे, ट्रेंड लाइन का ले लेंगे या फिर ब्रेकआउट का ले लेंगे। तो वो सारे बेस पे जहाँ पे हमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से प्राइस एक्शन क्रिएट होगा वहां पे हमें ट्रेड में एंटर करना चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। पहला तो ये भागना जो है तो एक सिद्धांत है, अगर हम मूल्य के हिसाब से या इसके हिसाब से बात करें शब्दों के हिसाब से तो ये ठीक बात है, लेकिन जैसे ही हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है ये गलत हो। दूसरी बात ये है कि कीमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, उसको कोई आधार चाहिए ना, कीमत को कोई आधार चाहिए। मान लीजिए टाइम का आधार भी हो सकता है कि हम 12 बजे ऊपर भागेंगे तो बाय करेंगे और ये 12 बजे के नीचे भागेंगे तो सेल करेंगे। 9:15 की स्ट्रेटजी जैसे 9:20 की स्ट्रेटजी, 9:27 की स्ट्रेटजी, तो इस तरीके से क्या होता है कीमत को एक आधार मिलेगा तभी कीमत में प्राइस एक्शन को समझ पाओगे। ऐसे भाग रहा है तो वो प्राइस एक्शन और वो मार्केट पर्सपेक्टिव का प्राइस एक्शन दोनों में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, जो इस वीडियो में धीरे धीरे करके हम रिवील करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है और किसके आधार पर चलता है। अभी तक आपके हमने दो कन्फ्यूजन दूर किए हैं और वो ये है कि जो प्राइस एक्शन का टेक्निकल एस्पेक्ट है कि कीमत अचानक भागी तो टेक्निकल तो यही बोलेगा कि मूल्य में तेजी से बदलाव हुआ, एक एक्शन क्रिएट हुआ, लेकिन इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो वो आगे हम क्लेरिफाई करेंगे। दूसरा जो बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि कीमत की अपने आप में कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी हो सकती है, कोई फार्मूला हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता। उसका लॉजिक यही है कि कीमत ऊपर या नीचे मूव करती रहती है, उसको एक आधार चाहिए, कीमत को एक आधार चाहिए तभी वहाँ पे प्राइस एक्शन का हम फायदा उठा सकते हैं। तो कीमत को आधार देने के लिए कई सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी हमने आपको बता दी हैं, इसी पे ये प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है कि कुछ ऐसा पैटर्न बनना या ऐसा मोमेंटम क्रिएट होना, कहीं पे एक्युमुलेशन हो गया और वहाँ से भागा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गिरा, तो ये होती है जो ट्रेडिंग साइकिलिंग होती है। तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, ट्रेडर ये समझते हैं पैटर्न द्वारा या फिर एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो इसके हिसाब से प्राइस एक्शन जब क्रिएट होता है तो ट्रेड वहाँ पे एक्ट करते हैं। दूसरी बात होती है ट्रेडिंग पैटर्न। हमने ट्रेंगल पैटर्न आपको पढ़ाए थे, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न, अभी आपको हम फ्लैग पैटर्न भी कभी पढ़ाएंगे, फ्लैग पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, तो इसमें कुछ चीजें हम आगे आपको बता देंगे। तो ये पैटर्न्स के हिसाब से भी प्राइस एक्शन जो है तो यहाँ पे काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉप बॉटम आप लोग जानते ही होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी प्राइस एक्शन काम करता है और कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से प्राइस एक्शन काम करता है, क्योंकि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जहां पे टॉप बॉटम में जब वो फॉर्मेशन मिलता है तो वहां पे प्राइस एक्शन काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटीमेंट पुलबैक, तो इसके बारे में हमने पढ़ा दिया है, जब कोई ऐसा रिट्रेसमेंट सेंटीमेंट या पुलबैक होता है उसके बाद भी प्राइस एक्शन काम करता है ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से। रेंज ब्रेकआउट हमने आपको पढ़ा दिया है, रेंज ब्रेकआउट जब होती है तब भी प्राइस एक्शन काम करता है, क्योंकि यही सारे वो आधार हैं जहां पे कीमत में एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लोग ये खोजते हैं कि प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी दे दो, प्राइस एक्शन के बारे में कोई सीक्रेट बता दो, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन काम करता है इन्हीं सब पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसके अलावा प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूं, कोई भी मार्केट यहां से भाग रही है तो इसका मतलब है
है कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये प्राइस एक्शन गलत हो सकता है। लेकिन जब कोई अच्छी सिचुएशन पे, कोई ऐसी सिचुएशन पे मार्केट जा करके और उसके बाद मोमेंटम स्टार्ट होता है तो ये प्राइस एक्शन सही हो सकता है। तो ये दोनों प्राइस एक्शन टेक्निकल एस्पेक्ट से एक जैसे दिखेंगे, लेकिन इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव दोनों में डिफरेंस है कि ये प्राइस एक्शन ब्रेक करते ही हो सकता है यहाँ पे इसका जो है एक्शन एक्सपायर्ड हो जाए और मार्केट गिर जाए, जबकि यहाँ पे ये प्राइस एक्शन जो है तो इसमें हो सकता है कि हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाए। तो आपको मार्केट के दृष्टिकोण से देखना, तो हम आपको समझाते हैं कि मार्केट पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग में आपको कैसे प्राइस एक्शन को कंसीडर करना है, क्योंकि देखो टेक्निकल मीनिंग आपको हमेशा कंफ्यूज्ड करेगी। अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो टेक्निकल मीनिंग यहाँ पे सेम होगी, और यहाँ पे उतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो भी टेक्निकल मीनिंग सेम होगी। प्राइस एक्शन दोनों में क्रिएट हुआ, लेकिन जब आपको ट्रेड करना होगा तो आपको मार्केट के दृष्टिकोण से प्राइस एक्शन को कंसीडर करना होगा। यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि ये कैंडल कितनी भी बड़ी बन जाए, इसमें कितने भी ट्रांजेक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ पे फेल्ड होने की प्रॉबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है यहाँ पे आगे बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें कि यहाँ पे जब प्राइस एक्शन दोबारा क्रिएट होता है तो यहाँ पे जो है तो ट्रेडिंग कम्युनिटी बाय में इंटरेस्टेड होगी और ये एक अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेड हो सकता है। तो कीमत में बदलाव इस बात का निर्धारण नहीं करता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, आपको देखना है कि मार्केट का कंडीशन क्या है और किस आधार पे जज करना है। जैसे कि हमने इतनी सारी चीजें बताई, वही चीजें थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर करा रहे हैं। तो प्राइस एक्शन के कुछ सैंपल आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, और जैसे किसी रेजिस्टेंस लेवल पे गई, लौट आई, उसके बाद में इस तरह से रेजिस्टेंस ले रही है, फिर ब्रेकआउट करती है, तो जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेगी तो ये ब्रेकआउट करेगी तो ये पॉज नहीं लेगी, फिर यहाँ पे जो प्राइस एक्शन क्रिएट होगा वो बढ़िया होगा। उसके बजाय अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन वैसा ही बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी तो यहाँ पे आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और उसी हिसाब से प्राइस एक्शन को कंसीडर करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से चार कंडीशन यहाँ पे लिए हैं, मैं जूम करके थोड़ा सा एक मिनट में समझा देता हूँ ताकि आप प्राइस एक्शन को सही जगह पे कंसीडर कर पाएं। जैसे कोई कीमत आती है और टकराती है किसी एक लेवल में, ऊपर जाती है, इस तरह से ब्रेकआउट कर देती है और उसके बाद रेजिस्टेंस लेती है, मैं बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन क्रिएट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से मूव डाउन साइड जाएगा, ट्रेडिंग कम्युनिटी यहाँ पे सेल साइड में ज्यादा प्रोमिनेंट एक्टिविटी कर सकती है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ कि जैसे दोनों साइड में प्राइस को कंप्रेस किया गया है, जैसे हमने पढ़ाया था सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मार्केट जाती है और यहाँ पे जब प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, बजाय किसके कि यहाँ भी बड़ी कैंडल बन सकती है तो ये फेंक होगा। तो इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन को कंसीडर करना है। अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं तीसरी सिचुएशन, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और वहां पे जाके रीटेस्ट लिया, ब्रेकआउट होने के बाद जब रीटेस्ट ले लेता है तो उसके बाद तो एक कंफर्मेशन मिलती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस एक्शन क्रिएट होगा वो जेन्युइन होगा। तो इस सिचुएशन का भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में फायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से एक सिचुएशन डाउन साइड में दी गई है, और इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं मार्केट में जब कोई चैनल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, उसके बाद में जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद में यहाँ पे जेन्युइन हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि इस सिचुएशन पे, इस सिचुएशन पे, इस सिचुएशन पे और इस सिचुएशन पे, यहाँ पे अगर आपको तेजी से मूल्य में बदलाव दिखता है और साथ में आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन ज्यादा दिखते हैं तो यहाँ पे ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी होगी और यहीं पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कंसीडर किया जाएगा। बजाय इसके कि कीमत के हिसाब से प्राइस एक्शन कहीं पे भी बड़ी कैंडल बन जाए, छोटी कैंडल बन जाए, तो उस हिसाब से हम एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये समझ में आ गया होगा कि प्राइस एक्शन की अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, और ये कई सिचुएशंस में प्राइस एक्शन हमें बहुत ही अच्छा लाभ दे सकता है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन जो है तो वो पैटर्न्स पे, कैंडलस्टिक पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, पिवोट पे, टॉप बॉटम पे, यहीं पे प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो जो लोग डिमांड करते हैं कि प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे रियल प्राइस एक्शन क्रिएट होगा उसको प्राइस एक्शन में कंसीडर किया जाएगा, इसके बाद जो टेक्निकल प्राइस एक्शन होता है उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे मैंने 6 अच्छी सिचुएशन डाली हैं। जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे कैंडल लगा करके ये 6 तरीके की फॉर्मेशन में अपना ट्रेड बना सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि जब भी कोई लेवल ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, उसके बाद ही कोई अच्छा मूव होता है। तो यहाँ
यहाँ पे कुछ फॉर्मेशंस हैं, ये सारी चीजें हमने जो पढ़ाई है, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं के बोल रहा हूँ कि जैसे ये तीन कैंडल बनी, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीन कैंडल बनी, तो टेक्निकली तो दोनों एक ही बात हो गई ना। तो फिर इसमें प्रोजेक्शन नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाता ना। लेकिन अब आपको ये बता रहा हूँ कि ये तीन बनी तो इसका मतलब नहीं है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से रेजिस्टेंस ले रहा। इसके बाद में जब ये ब्रेकआउट होकर जब यहाँ पे बनने लगा, तो ये तीन के बजाय 10 भी बन सकती हैं, क्योंकि अब ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में जा रहा। तो यहाँ पे ये चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है। कैंडल की साइज मैटर नहीं करती। नए लोग क्या करते हैं कि प्राइज एक्शन का मतलब ये समझते हैं कि जैसे ही वो भागने लगती है तो उसका मतलब प्राइज एक्शन है। लेकिन अगर वो गलत जगह पे भाग रही है और जाके टकरा जाएगी तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए प्राइज एक्शन वहीं पे काम करेगा जहां पे कोई आइडियल सिचुएशन होगी, मार्केट में कोई भी किधर भी प्रोमिनेंट एक्टिविटी होने के चांसेस होंगे। इसी सिचुएशन में आप देख लो कि कोई भी सिचुएशन, जैसे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस पे ऐसे से टकरा रही थी, ब्रेकआउट हो पाई, तो यहाँ पे क्या है कि बाइंग प्रोमिनेंट एक्टिविटी हो सकती है। यही ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है। इसी हिसाब से देख सकते हैं कि जितने भी पैटर्न बने हैं तो उसमें कोई ना कोई ब्रेकआउट होता है और उसके बाद छोटा सा रिटेस्ट होता है, वहां के बाद प्रोजेक्शन क्रिएट होता है और वो जेन्युइन होता है। तो इसी तरीके से हम आपको कुछ और चीजें यहाँ पे समझाएंगे कि कौन कौन पैटर्न आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। यहाँ पे हमने 6 रिवर्सल पैटर्न को ट्रैक किया है जहां पे मार्केट में आप अच्छा मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं, और ये सिचुएशन मार्केट में बनती ही रहती है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्शन पैटर्न के हिसाब से जो प्रोजेक्शन ट्रेडिंग है उसमें कहां कहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, और इन पैटर्न मार्केट में फाइंड आउट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट किसी एक लेवल पे जाती है, फिर वहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती है, फिर एक बार उसके हायर हाई को छोटा सा वहां पे, फिर एक बार उसके हायर हाई को तोड़ करके और वहां से गिरना शुरू होती है। नीचे से वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है और मार्केट नीचे गिरती चली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो ट्रेडिंग में क्या है कि पहले कुछ मत करो। आपकी गलती, आप लोगों की, ज्यादातर ट्रेडर की गलती क्या होती है कि मार्केट में जब कोई हो रहा होता मूवमेंट उसी में एक्ट करते हैं, जबकि नाउ मूवमेंट में एक्ट नहीं करना चाहिए। शुरुआती दौर में आपको ये इंतजार करना चाहिए कि कोई ना कोई तो पैटर्न, कोई ना कोई सेटअप, कोई ना कोई कुछ ऐसा आधार मिले जहां पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो जब तक कुछ नहीं होता है तब तक कुछ मत करो। जब कुछ दिख जाए कोई सिचुएशन तब एक्ट करने की कोशिश करो, तो आपकी विनिंग के चांस बढ़ जाएंगे। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये गई आई कुछ मत करो, लेकिन उसी लेवल पे गई और हायर हाई तोड़ के फिर जब नीचे यहां ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे थे, ऐसी सिचुएशन आपको जब भी मिलेगी तो आप इसके हायर हाई का स्टॉप लॉस लगा के यहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये क्या है कि जो सेल साइड क्रिएट हुआ है, तो यहां पे क्या है, सेल साइड मार्केट चली जाएगी। दोस्तों दूसरा इसमें जो है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये कैसे बनता है, जैसे कि आदमी के कंधे होते हैं, अगर यहाँ पे हम इसको इसके फेस बना देते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये आदमी जैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी गर्दन हो गई और ये जो है ये पार्ट इसका जो हो गया, तो इसके कंधे हो गए और ये देखिए, ठीक है, तो ये आदमी जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोजेक्शन क्रिएट होता है। हमने जैसे ये लाइन ड्रा की है तो एक ट्रेंड लाइन है, इसमें यहाँ पे एक लाइन ऐसे भी ड्रा की जाती है और यहाँ पे एक लाइन ऐसे भी ड्रा की जाती है। तीन लाइन यहाँ पे ड्रा की जाती, हमने एक लाइन यहां पे ड्रा की थी, वो भी ड्रा कर देता हूं। कंफ्यूजन देखिए, क्लैरिटी इज पावर, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन ये हो गया, और वहां पे देखिए जैसे गया हायर हाई को तोड़ा और उसके बाद में गया और इसका रिजेक्शन लिया, उसके बाद में आपको यहां पे जो है तो प्रोजेक्शन यहां पे क्रिएट हुआ, सेल साइड में मार्केट गिर जाएगी। इसी तरीके से आपको ये देख सकते हैं कि ये जो है तो ये राइजिंग वेव्स को कहते हैं। यहां पे क्या होता है, मार्केट किसी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में जाती है और उसके बाद एक बार नीचे आती है, वहां ऊपर जाती है, उसके बाद यहां पे जो प्रोजेक्शन क्रिएट होता है वो रियल प्रोजेक्शन है इन मार्केट परस्पेक्टिव, तो यहां पे आपको एक्ट करना होगा। इसी तरीके से नीचे आप देख सकते हैं कि जैसे ये पैटर्न बने हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे नीचे गया ऊपर आया और उसके बाद में जैसे ये ब्रेकआउट किया, तो यहां पे एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, प्रोजेक्शन यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन काम करेगा, और जैसे ही अपर साइड में गया था, तो जैसे कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी जाता है और उसके बाद में जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे कोई मार्केट जा रही थी, इस तरीके से रेजिस्टेंस ले रही थी और उसके बाद ब्रेकआउट कर पाई, तो क्या करेगी, ब्रेकआउट होगी, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगी, तो ये जो प्रोजेक्शन क्रिएट होगा वो जेन्युइन होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जो ये 10-12 तरीके यहाँ पे हमने बताए हैं, इनको आप रट लो और इनको लिख लो, क्योंकि इसके अलावा आप अभी एक्ट मत करो, क्योंकि यही सारी चीजें होगी जहां पे आपको प्रोजेक्शन में प्रॉफिट मिल सकता है। हम आपको समझाते हैं रिवर्सल प्रोजेक्शन, क्योंकि देखो थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल लेंगे, क्योंकि जितनी क्लैरिटी मिलेगी तो आपको उतना ही
देखो हम वीडियो को ये प्लान नहीं करते हैं, वीडियो हमारा डेली 1.5 घंटे का हो जाता है, कंप्रेस करते करते छोटा करते करते उसको 1 घंटे के नीचे ले आते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अगर कोई चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ देंगे तो वीडियो फिर बनाने मतलब नहीं बचेगा, इसलिए हम हर चीज़ को यहाँ पे डाल देते हैं ताकि लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन ना बचे। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल प्राइजेक्शन। और रिवर्सल प्राइजेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में जैसे किसी लेवल पे गई, टकरा के नीचे आई, एक बार लेवल तोड़ दिया, उसके बाद नीचे आ गई, फिर उसके बाद में उस लेवल को नहीं तोड़ेगी। तो यहाँ पे जो मूव होता है, यहाँ पे जो ये प्राइजेक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे जो ये प्राइजेक्शन क्रिएट होता है और यहाँ पे जो ये प्राइजेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सल प्राइजेक्शन। और यहाँ पे भी वही प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आप सेल साइड प्लान करोगे तो यहाँ पे भी ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल मिल सकता है इसके हायर हाई को लगा करके। तो इस डायग्राम से सिर्फ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और क्लैरिटी मिल गई होगी कि प्राइजेक्शन की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। प्राइजेक्शन मार्केट परस्पेक्टिव से कई सारी सिचुएशंस में, कई सारे फॉर्मेशंस में काम करता है। तो अब हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में प्राइजेक्शन का क्या रोल है और कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे बताया था कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में आप वीडियो देखने के बाद में बाहर जा करके कोई भी प्राइजेक्शन की स्ट्रेटजी की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइजेक्शन का मतलब आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमने 8 कैंडलस्टिक की सिचुएशन डाली है। ये सिचुएशन अगर कोई अच्छी कंडीशन पे मिलती है तो यहाँ पे भी प्राइजेक्शन का फायदा उठाया जा सकता है। तो जैसे अभी तक हमने पैटर्न्स को समझा, थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कैंडलस्टिक को समझाने की। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं, तो वो चीजें यहाँ पे हम बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे, बस हम आपको एक समझाने के पर्सपेक्टिव से बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये हैमर है। हैमर का यूज आप जानते होंगे कि इस तरीके से होता है। हैमर किसी भी अच्छी सिचुएशन पे बनेगा तो यहाँ पे काम करने के चांस 70-80% के होते हैं, लेकिन बीच में कोई हैमर बनता है तो उसका कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हैमर का जो लोअर लो है उसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। हैमर का जो यहाँ पे ये लोअर लो है इसको बोलते हैं डिजिटल लाइन, और इसके बाद में इसका जो भी ऊपर का होगा इसको होगी प्रॉक्सिमल लाइन। तो जो बाइंग एक्टिवेटेड होगी, अगर ये बॉटम में सिचुएशन होगी तो इस लाइन में यहाँ पे प्राइजेक्शन क्रिएट होगा, और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी तो यहाँ पे आपको ट्रेड में एक्ट कर देना है, बशर्ते थोड़ा सा नीचे ट्रांजेक्शंस देख लेना कि वैल्यू प्रोमिनेंट एक्टिविटी हो रही हो। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे हमने कंसिडर किया है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि मार्केट जो है तो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद में नीचे आती है, लेकिन जो भी उसने जहाँ से गई होती है उसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं देती है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई और नीचे आके यहीं पे क्लोज हो गई। अगर ये लोअर लो के नीचे यहाँ पे उल्टा क्लोज हो जाती तो ये बन जाती शूटिंग स्टार, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान देना है। इन्वर्टेड हैमर से भी एंट्री ली जा सकती है, और इस तरीके के फॉर्मेशन अगर किसी भी लेवल पे पाए जाते हैं तो उसका मतलब है कि इस कैंडल में प्राइजेक्शन क्रिएट हुआ, और इन्वर्टेड हैमर के ब्रेकआउट पे आप इनर साइड में ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यही वो प्रॉक्सिमल लाइन है जहां से अब बाइंग एक्टिवेट होगी। तो ये 2 सिचुएशन समझ में आ गई। तीसरी सिचुएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग हमने पढ़ा दिया था। बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है कि छोटी कैंडल के बाद में एक बड़ी कैंडल बनती है, और उस बड़ी कैंडल के ऊपर जब ब्रेकआउट हो जाती है तो यहाँ पे प्राइजेक्शन क्रिएट होता है आप साइड में, और मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके बाद में जो भी लोअर लो होगा वहाँ पे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, वही हमारी डिजिटल लाइन होगी। अब यहाँ पे हम आपको नीचे की सिचुएशंस में दिखा देते हैं। जैसे ये होता है हैंगिंग में, तो हैंगिंग में की फॉर्मेशन इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है तो नीचे आई, उसके बाद में जाकर के ये ओपनिंग के ऊपर जाके बुलिश नहीं क्लोज हो पाई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट गई और वहीं पर टंग गई। तो इसको इसलिए बोलते हैं हैंगिंग में। ऐसा फॉर्मेशन होने के बाद में नीचे साइड में मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन केस अगर हैंगिंग वैन के ऊपर ये अचानक ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हैंगिंग वैन जब बनेगा तो वहाँ पे दोनों कंडीशंस रहते हैं। उसके बाद की कैंडल डिपेंड करती है कि अगर इस तरह से बनेगा तो नीचे गिर जाएगा, और इसको ब्रेकआउट करके अगर बुलिश बनेगा तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो इस चीज़ में भी आप प्राइजेक्शन देख सकते हैं कि ये कैंडल बनेगी तो शॉर्ट करना है, अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अब हम आपको समझाते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार दोस्तों ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, और ये आप देख सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे आपको मिलेगा तो यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। शूटिंग स्टार में देखने वाली बात यह है कैंडल फॉर्मेशन आप देख सकते हो, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होती है और नीचे ट्रांजेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पिछली 1-2 कैंडल से ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ हो जाते हैं, इनसाइडर यहाँ सारे सेलर को फंसा लेते हैं। उसके बाद मार्केट में ये लेवल ब्रेक होता है और मार्केट नीचे गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये है बेरी सिंगल फिंग। बेरी सिंगल फिंग बुलिश एंगल्फिंग के अपोजिट होती है, जैसे कि
ऊपर आप यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग देखे थे, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग देख ली वाली। तो बेरिश एंगल्फिंग में भी आपको ध्यान देना है कि जो भी हायर हाई जो उसका प्राइस होगा वही हमारी डिजिटल लाइन होगी, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही बनेगा, और जो इसका लोअर लो होगा इसके नीचे हमारा जो है सेलर एक्टिवेट होगा। तो इस जोन में जब भी मार्केट चलेगी तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है इस जोन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं, मैं लाइन को यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके ऊपर ही एक्टिविटी प्रोमिनेंट होगी। मैं एक बार जूम इन करके लाइन लगा देता हूँ, आप लोग दिमाग में अपने डाल लो। देखो इस जोन में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ये गलत जोन है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, इसके बाद ही कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये लाइन में लगा दे रहा हूँ आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। सॉरी ये वाली और यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लाइन लगा दिया, तो इसमें क्या है कि इस जोन में अगर मान लीजिए छोटी छोटी मार्केट चलती है तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी ना, गिर भी तो सकती है कंसोलिडेट होके, लेकिन जब ये अपने प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर जब भी मार्केट आ जाती है तो वो जो है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रेडिंग कम्युनिटी ये सोचती है कि अभी रिट्रेसमेंट लेके ऊपर भाग जाएगी, सेम सिचुएशन नीचे है। तो ये बीच वाले में जो छोटी कैंडल फॉर्मेशन होती है आपको वहां पे रैंडम एक्ट नहीं करना, ठीक है। अगर अपर साइड में है ये सिचुएशन तक जाने दो, और लोअर साइड में है तो वो सिचुएशन तक जाने दो, बस इस डायग्राम का इतना ही मतलब है। यहां से भी आप प्राइस एक्शन का फायदा उठा सकते हैं, अपने ट्रेडिंग में अच्छा कमा सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा आगे, तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस एक्शन क्या है और कैसे काम करता है। प्राइजेक्शन की अपनी कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है, प्राइजेक्शन सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्योर ट्रेंगल फॉर्मेशन कैंडल फॉर्मेशन पे ही काम करता है। तो अब हम आपको समझाते हैं कुछ चार पांच ऐसी चीज़ें जहाँ पे सिचुएशन पे आपको कैसे रीड करना है एक एक बार, जो यहाँ पे मैं चार पांच कंडीशन समझा करके इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं यहाँ पे कि प्राइजेक्शन कैसे स्टार्ट होता है और प्राइजेक्शन कहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाता है, फिर दोबारा कैसे प्राइजेक्शन स्टार्ट होता है और कहाँ पे इंड हो जाता है। तो इन मार्केट परस्पेक्टिव, जैसे हमने बताया ना कि मार्केट के दृष्टिकोण से आपको देखना होगा, क्योंकि आप ट्रेडर है ना, तो हमें फार्मूला का मीनिंग क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें ये है कि मार्केट में यूज कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो जैसे मार्केट यहाँ से गई और ये वाली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से थोड़ा पॉज लिया और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद सपोर्ट ले लिया, तो समझने वाली बात ये है कि मार्केट ने जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से प्राइजेक्शन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से प्राइजेक्शन स्टार्ट हुआ तो इस कैंडल के बराबर भी ये कैंडल बनी है, तो कीमत के सिद्धांत के हिसाब से तो ये भी प्राइजेक्शन था, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेते तो ऊपर जाकर के तुरंत गिर नहीं जाती। तो मैं यही बस बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका। तो यहाँ पे देखिए जैसे प्राइजेक्शन स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे कीमत क्या है तो ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या है यहाँ पे एक्ट करेगी, और प्राइजेक्शन का मतलब होता है कि भाई हम जब ट्रेड करेंगे तो हमारे फेवर में मार्केट चलनी चाहिए। प्राइजेक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि भागा और हमने ट्रेड किया और गिर गया, तो वो कंडीशन को आपको मार्केट में देखना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखिए मोमेंटम हुआ, मोमेंटम हुआ, मोमेंटम हुआ, एक रेजिस्टेंस लेवल तक गया, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे जो एक्शन था मार्केट की तीव्रता देखिए, आप देखिए कैंडल फॉर्मेशन देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। यहाँ पे जिस हिसाब से भागा उसके हिसाब से देखिए धीरे धीरे डाउन हो गया। अब देखिए प्रेशर क्या है, सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, तो कैंडल के फॉर्मेशन हमने पढ़ा दिए, उसको आप देख सकते हैं इस तरीके के। बाद में जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्सपायर्ड हो गया। कैसे पता चलेगा, देखिए ये रेड कैंडल जब तक नहीं बनेगी तब तक पता नहीं चलेगा, इसके इस ग्रीन के बाद में जैसे इस ग्रीन के बाद में फिर ग्रीन बन गई, तो यहाँ पे ऐसे एक और ग्रीन भी बन सकती थी, जल्दबाजी कोई नहीं। यहाँ पे देखिए ऐसे और एक ग्रीन बन सकती थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि सिचुएशन के लिए वेट करो, और जब आपको परफेक्ट सिचुएशन लगे तभी वार करो, जैसे कल के वीडियो में बताए थे। तो जब ये कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे समझ में आ जाता है कि प्राइजेक्शन जो है तो स्टार्ट हो चुका है। अब इस कैंडल की ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए, और जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे लगा लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी डिजिटल लाइन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक्सपायर्ड हो गया, फिर सेलिंग साइड प्राइजेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ से देखिए जैसे ये गिरा और उसके बाद यहाँ गिरा, तो जिस लेवल पे जाएगी पहला टारगेट आपको यहीं पे ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे पॉज लेगा और पॉज लेके अगर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो फिर प्राइजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइजेक्शन का मतलब बस यही है कि यहाँ पे देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इंड हो गया, और यहाँ पे प्राइजेक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे पॉज लिया, और यहाँ पे फिर प्राइजेक्शन कंटिन्यू अपने डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें किन किन सिचुएशन पर ट्रेड करना चाहिए, यहाँ सेलिंग साइड में कर सकते हैं, यहाँ सेलिंग साइड में कर सकते हैं, यहाँ बाइंग साइड में कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइजेक्शन का मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक अनदर सिचुएशन डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक इतना क्लियर करा देंगे ना कि इसको पूरा देखने के बाद में आपको रट जाएगा प्राइजेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मार्केट में ऊपर गई और एक रेजिस्टेंस लिया, तो आपको ये देखना है कि जब भी कोई मार्केट रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट करके फिर सपोर्ट ले लेती है तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो उसका सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो प्राइजेक्शन तभी क्रिएट होगा, तभी मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा, जब आप ये देखेंगे कि ट्रेडिंग कम्युनिटी
इम्यूनिटी यहाँ पे क्या सोच रही है, साइकोलॉजी क्या काम करेगी। अभी हमने जस्ट आपको बताया था इन्वर्टेड हैमर, तो देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कैंडल अब यहाँ पे यूज की है क्योंकि देखो ये कंडीशन परफेक्ट है ना। अब यही इन्वर्टेड हैमर उठा करके यहाँ पे बना दो तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने की फिर प्रॉबिलिटी नहीं थी ना। तो बस इसीलिए ज्यादातर लोगों का फेलियर का कारण यही है कि वो लोग मीनिंग्स के हिसाब से ही मतलब निकाल लेते हैं, मार्केट परस्पेक्टिव में उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो आप देखिए मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन कहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम आया, इन्वर्टेड हैमर बना, इसके ब्रेकआउट पे या इस वाले के लेवल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, उसके बाद में जैसे भागा और यहाँ पे पॉज लिया। तो यहाँ पे देखिए एक्शन कहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाता है, जब भी कोई एक्शन एक्सपायर्ड होगा तो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा और वहां से एक दो कैंडल का नीचे रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद में एक और हायर हाई बनाएगा, फिर वो चलेगा। तो ये कंडीशन अगर आपको मिलती है तो ये जेन्युइन है, क्योंकि ये कंडीशन बनती ही रहती है चार्ट में, आप लोग देखते ही रहते हो। तो इसका मतलब ये है, मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन ऊपर गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे गया, थोड़ा सा पॉज लिया और फिर जितने बायर को ट्रैप करना था यहाँ पे ट्रैप कर लिया, अब यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसका जो मोमेंटम था, जो बाय का जो मोमेंटम था, वो यहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाता है, उसके बाद में बाय आने वाले होते नहीं है। तो यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि गया फिर थोड़ा नीचे आया, फिर हाई है तोड़ के अगर चला तो हमारी ये जो दूसरी कैंडल है यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बताया अभी पढ़ाया था, और वो ये वाली कैंडल है, ठीक है। इस वाली कैंडल में देख सकते हो कि नीचे का हायर हाई ब्रेक करता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिर जाती है। तो ये वाली जो ब्रेकआउट है यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट होगा और मार्केट नीचे चली जाएगी। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर वीडियो बनाइए, स्टॉप लॉस को वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पे भी ट्रेड लोगे उसके हायर हाई डिस्टल लाइन होगी, वही स्टॉप लॉस माना जाएगा। अगर इनकेस स्टॉप लॉस आपको बड़ा दिख रहा है तो वहां पे ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ये सेलिंग साइड में अगर यहां पे ट्रेड लेंगे तो इसके लोअर लो को स्टॉप लॉस लगाएंगे या इसके लोअर लो को स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर कैंडल बहुत बड़ी हो जाएगी तो यहीं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे, ट्रेड बड़ा हो जाएगा तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये कंडीशन यहां पे देख सकते हैं कि सेम जैसे मार्केट उसी लेवल पे आई और यहां पे देखिए ऊपर गई, फिर यहां पे देखिए कंसोलिडेट हुई। तो जब भी कोई ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है तो भी थोड़ा सा पॉज वो ले सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में पॉज नहीं लेती है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान देनी है कि यहां से इस ट्रेड लाइन को आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट हो गई तो ये वाली जो कैंडल है या इसका ब्रेकआउट है, यहां से अब नया प्राइस एक्शन क्रिएट होगा और मार्केट में मोमेंटम होगा। तो इस सिचुएशन के लिए वेट करो, क्योंकि ऐसी कैंडल तो इससे बड़ी तो कैंडल यहां भी बन गई, तो इसका मतलब ये भी प्राइस एक्शन है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये सही है तो ये नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सही हो सकता है और ये प्रॉफिट आपको देगा। उसी तरीके से देखो यहाँ पे दोबारा जाती है तो हायर हाई का फिर रिजेक्शन लेती है, जैसे इसका हायर हाई था तो वहाँ पे भी सबसे हाईएस्ट बायर को बेच करके और उसके बाद वहीं से मार्केट टर्न ले लेती है। तो यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन सेल साइड में कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको मार्केट में प्राइस एक्शन को ढूंढना। दोस्तों यहाँ पे एक अनदर सिचुएशन को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो प्राइस एक्शन को कैसे कंसीडर करना है, क्योंकि ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। देखिए मार्केट जब गिर रही होती है उसके बाद में कोई बॉटम लेवल पे जाती है, कोई मेजर ऐसा लेवल हो सकता है या पिछले दिन की क्लोजिंग हो सकती है, पीओट हो सकता है, कोई भी ऐसा मेजर लेवल होगा जहां पे मार्केट जाएगी उसके नीचे नहीं जाएगी और एक हायर हाई लेवल के बीच में ऐसे कंसोलिडेट करने लगेगी। तो इसका मतलब यह है कि एक रेंज बाउंड है और यहां पे मार्केट जब रेंज ब्रेक करेगी तो एक अच्छा मोमेंटम होगा। तो जैसे कि प्राइस एक्शन क्रिएट होगा तो इसमें क्या होता है कि मार्केट कभी कभी रिटेस्ट लेती है, कभी नहीं लेती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो यहां पे प्राइस एक्शन क्रिएट होगा। हर बार मैं बोल रहा हूं कि बड़ा कैंडल बनेगा उसके बाद पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद में अगर वो रिटेस्ट करके भागता है तो वो ज्यादा अच्छी बात होती है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। देखिए ट्रेड छूट जाए अलग बात है, लेकिन जल्दबाजी करके लॉस क्यों करना, तो इसलिए वेट करना चाहिए और उसके बाद में आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहां पे देखिए रियल प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, उसके बाद में क्या है कि अब मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आपकी एंट्री कहां पे बनेगी, थोड़ा मैं जूम करके आपको यहां पे समझा देता हूं। जैसे ये बड़ी कैंडल बन गई तो इसमें तो कुछ बन नहीं पाएगा, उसके बाद अगर पॉज लेता है तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि जैसे ये देखिए ये लोअर हायर हाई कम कर रहा, हायर हाई कम कर रहा, छोड़ रहा छोड़ रहा, और ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल बनती है। तो ये जब ग्रीन कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि बायर अगेन एक्टिव हो गए हैं और इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो एंट्री यहाँ पे लेंगे। अब स्टॉप लॉस के लिए जो लोग पूछते हैं तो स्टॉप लॉस उसकी जो भी वहाँ पे कैंडल की लोअर लो होगी, सबसे लोअर लो पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि पॉज लेने वाली कैंडल जो होगी उसके नीचे अगर दोबारा आ जाएगा तो नीचे ही गिर जाएगा ना, तो स्टॉप लॉस बड़ा लगाने की कोई जरूरत है नहीं और यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। टारगेट उसके हिसाब से आगे अपना डिसाइड कर लो कि जितना भी पुल बैक आगे मिलेगा, कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा उस हिसाब से टारगेट होगा। दूसरा यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे फिर दो कैंडल भागी, थोड़ा सा पॉज लिया, तो यहाँ पे दोबारा भी एंट्री मिल सकती थी। अगर यहाँ एंट्री ऐसे छूट जाएगी तो ऐसी कंडीशन दोबारा बनेगी छोटी कैंडल, तो उसके बाद ही ब्रेकआउट पे मार्केट और भागेगी। तो यहाँ पे दो एंट्री बन सकती थी। इस तरीके से मार्केट में सिचुएशन को आप कंसीडर करके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों एक अनदर सिचुएशन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक और सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। इस सिचुएशन में हम समझाने
लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जब हायर हाई पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और इनसाइडर अपना गेम कर देते हैं तो मार्केट में कैसे प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। ये बात समझने के बाद में आपको कैंडल से पकड़ आ जाएगी चार्ट में धीरे धीरे कि इनसाइडर कहाँ पे क्या गेम करते हैं और कैसे मार्केट में मूवमेंटम हो जाता है। तो जैसे कोई एक रेजिस्टेंस लेवल था, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा, और उसके बाद में मार्केट इस लेवल से ऊपर जाती है। तो कैंडल की जो फॉर्मेशन है उस पर आप अगर गौर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो ऊपर पिन बहुत बड़ी बन रही है और नीचे जो है इसकी बॉडी बहुत छोटी बन रही है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कीमत ऊपर जाती है, उसके बाद में लोगों को बेच देती है, फिर कीमत नीचे चली जाती है, फिर ऊपर जाती है और फिर बेच देती है, फिर नीचे चली जाती है। इसको बोलते हैं पिन बार कैंडल। और ऐसी कैंडल्स में आप देखेंगे तो नीचे वैल्यूम के ट्रांजेक्शन बहुत बढ़े रहते हैं, जिससे ये भी ट्रैक किया जा सकता है कि मार्केट में अच्छा खासा ऊपर सेलिंग जो है तो दिया जा रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि जब मोमेंटम होगा, प्राइस एक्शन क्रिएट होगा, तो एक बड़े कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंसोलिडेशन हो गया और यहाँ पे इस तरीके से पता चल गया कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे थी और लोगों को बेच दिया गया। उसके बाद में जब ये प्राइस एक्शन क्रिएट होता है तब मार्केट यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट देती है, क्योंकि जितनी हैवी यहाँ पे सेलिंग की गई होगी उतना ही मार्केट नीचे गिरेगी। तो इसको बोलते हैं केस वर्सेस इफेक्ट, एक फार्मूला है, उसके सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पे कीमत और उसके मोमेंटम में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस डायग्राम से आपको ये समझना है कि अगर रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ट्रेड अपना बना सकते हैं। तो ये चीज समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था क्योंकि मार्केट इसी लेवल से गई थी, तो जैसे इस लेवल से ऊपर गई थी उसके बाद आई और यहाँ पे एक दो कैंडल का पॉज लिया और इसके नीचे चली गई। तो आपको ध्यान से देखिए तो सेम वही सिचुएशन फिर रिपीट हुई है। जब किसी वो सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाती है तो सपोर्ट लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है और मार्केट देखिए उसी तरीके से देखिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ये रियल स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर लोगों को बेच रही है क्योंकि कैंडल की पिन बता रही है कि हायर पे बेचा जा रहा है और नीचे प्राइस लाया जा रहा है। तो इस तरीके से देखो बेची गई और उसके बाद फिर मार्केट गिर गई थी। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि प्राइस एक्शन का मतलब ही यही है कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन जहाँ पे यहाँ पे देखिए एक्शन क्रिएट हुआ दोबारा और मार्केट नीचे चली गई, यहाँ पे एक्शन क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक्शन क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी जीतने की है। अब ये कैंडल मान लीजिए यहाँ पे भी ये कैंडल बन गई थी तो क्या यहाँ पे हम सेल कर देते? तो ये फिर मार्केट पर्सपेक्टिव से गलत है। अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये देखिएगा कि हाँ धड़ धड़ गिर रही भैया, चलो जल्दी सेल कर दो और जो बचा कुचा अमाउंट में पैसा है उसको भी मार्केट को दे दो। तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर आए तो हम यहाँ पे आपको जेन्युइन चीजें बताते हैं ताकि आपको लॉस भी कम हो और आपको प्रॉफिट भी आए। तो हम समझाते हैं इस वीडियो की लास्ट कंडीशन और उसके बाद इस वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन के हिसाब से भी प्रोजेक्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। अभी तक हमने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, बहुत सारे पैटर्न समझा दिए हैं और बहुत सारे ट्रायंगल पैटर्न समझा दिए हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न समझा दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। अब आखिरी बात हम आपको समझाते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन संबंधित मैंने एक वीडियो बना दिया है, ट्रायंगल पैटर्न सारे वीडियोज आ चुके हैं। बस इस टॉपिक में हम आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्शन को कैसे यूज करना है। अगर ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो कैसे यूज करना है, कैंडल बनेगी तो यूज कैसे करना है, कोई भी ऐसी चीज चार्ट में दिख गई तो उसको आप कैसे यूज करोगे, इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी चीजें जो इसमें हम बता रहे हैं ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं, तो वो चीज आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बस आपको वही चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे मार्केट जा रही थी एक ट्रेंड लाइन में और वो ट्रेंड लाइन के बाद में जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो जब कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन शुरू होगा अपसाइड में और उसके बाद में एक छोटा सा पॉज लेगा। जैसे पॉज लेने का मतलब है कि कभी कभी वो इनसाइड कैंडल बनेगी और नेक कैंडल बनेगी या कोई भी इस तरह से रेड कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, कैंडल छोटी होगी, उसके बाद में जो वो ब्रेकआउट होता है यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेड बनता है और उसके नीचे आपको ये देखना होगा कि वॉल्यूम ट्रांजेक्शन अच्छे हो रहे हों। तो यहाँ पे ये हो जाता है ना कि कोई एक लेवल के बाद में जब ऊपर आ जाता है तो ट्रेडिंग कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो जब ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर सेलिंग साइड में लोग एक्ट नहीं करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि थोड़ा पॉज लेके कंसोलिडेट करके रीटेस्ट करके फिर मार्केट को ऊपर ही भाग जाना होता है। तो यहाँ पे आपको इस सिचुएशन को फाइंड आउट करना है। ट्रेंड लाइन कैसी भी बन सकती है, ट्रेंड लाइन के मैंने टॉपिक में बता दिया है कि कितनी तरह की ट्रेंड लाइन होती है, तो ट्रेंड लाइन कैसी भी बनेगी, जैसे ब्रेक करेगी रिटेस्ट करेगी तो वहां पे आपको एक प्रोजेक्शन का मोमेंटम अच्छा बन सकता है। और जो स्टॉप लॉस और टारगेट की बात है वो मैं यहां पे फिर बता देता हूं कि कभी भी कोई भी ट्रेड लो तो जब ट्रेड लोगे यहां पे तो उसके पहले कैंडल की लोगे या उसके लास्ट कैंडल को लोगे, अपना स्टॉप लॉस आप डिसाइड करोगे। तो टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए आपको बस दो चीजें देखनी है यहाँ पे कि जिस कैंडल पे हम ट्रेड ले, जैसे यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं तो इसके पहले कैंडल पे लगा सकते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इसके दो गुना लगभग हम यहाँ पे टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे इस कैंडल के हिसाब से कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे डिजिटल लाइन होगा और उसके इनर लाइन को जैसे ब्रेक करते तो यहाँ पे बायर जैसे इंजेक्ट हो जाते हैं, वो चीजें हमने ऑलरेडी बता दी है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और इस वीडियो में हम सबसे बड़ी बात तो दो कंफ्यूजन को, दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप
करेंगे और आपको ये क्लियरिटी मिल गई होगी। तो सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में आपको बताया था वो कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रायजेक्शन में अब इसमें क्या सीक्रेट है प्रायजेक्शन में, बताओ आप लोग इतना वीडियो देख लिए हो, हम कह रहे हैं कहीं से भी आप देख लो, जो भी पढ़ना हो पढ़ लो, तो उसके बाद में क्या होगा कि आपको ऐसा कोई सीक्रेट इसमें मिलने वाला नहीं। अब दूसरी बात यह है कि भाई ये प्रायजेक्शन की इंडिविजुअल स्ट्रेटजी क्या है इसमें, ये तो भाई ट्रेड लाइन पर भी प्रायजेक्शन बन सकता है और उसमें भी बन सकता है, पिवोट भी बन सकता है, ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बन सकता है, कहीं पर भी प्रायजेक्शन से प्रॉफिट उठाया जा सकता है। तो आप लोग जब कहते हो कि प्रायजेक्शन की स्ट्रेटजी दे दो, तो इसका मतलब यह है कि क्या स्ट्रेटजी दे दिया जाए, प्रायजेक्शन तो अपने आप में काम करता ही करता है। ये देखना है कि ये पैटर्न रीड करना, ट्रेंड लाइन लगाना, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, तो वो सारी चीजें जब आपके दिमाग में अच्छे से रट जाएंगी, उसके बाद मार्केट में वो चीजें नजर आएंगी, तो प्रायजेक्शन का फायदा उठा पाएंगे। करता हूं कि जो मैं अपनी बात ही समझा पाया हूँगा, और अगर वीडियो आपको ये पसंद आया है और मेरे एफर्ट्स और मेहनत अच्छी लगती है, तो एक लाइक तो यार बनता है, एक लाइक करो और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और कमेंट जरूर करो। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हो और ज्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है, क्योंकि हर पॉजिटिव कमेंट पढ़ के मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ, मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।